2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि चुनाव की तैयारी में यानी पूरा राजनीतिक कुनबा कहले राजनीतिक दल है लगा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के द्वारा यानी कहे कि 101 सूची जारी की गई है, एक तरह कहे कि एनडीए की पहली सूची जारी की गई है। झारखंड, दिल्ली, तमाम जो अलग अलग राज्यों, यूपी की बात कर ले, अलग अलग राज्यों में जो पहली सूची तो जारी कर दी गई है, दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। लगातार बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से एनडीए में कहा जा रहा है अंदर खाने से कि सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है, इसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जब से नीतीश कुमार की यानी यूँ कहे कि नीतीश कुमार की जब से एनडीए में घर वापसी हुई है, तब से जो उनके और सहयोगी आरएलजेपी की बात करें यानी पशुपत पारस गुट की बात करें या चिराग पासवान की गुट की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तब से लगभग ये तीन दलों पर जो है संकट मंडराने लगा है। ये कहा जा रहा है कि कोई भी हो सकता है कि दरवाज़ा अपना एनडीए से इंडिया में बदल सकता है। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी प्रेस वार्ता करके कल कह दिया है कि अगर चिराग पासवान आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, हमको तो कहीं जाना नहीं है, वो जिसको आना है वो आए, हम स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से यानी औरंगाबाद में और बेगूसराय में चिराग पासवान नहीं दिखे थे, उससे कई जो है राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि उसको लेकर के बीजेपी और एनडीए के नेताओं के द्वारा सफाई तो दी जा रही है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए चिराग पासवान नहीं पहुँचे। लेकिन लगातार ये चर्चा बनी रहती है कि नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान बिहार में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन इन दिनों जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की दूरी नरेंद्र मोदी से बढ़ती जा रही है, इसको तो हम सच नहीं कह सकते कि क्या वाकई में जो है चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर से आज बताते चले कि दीपांकर भट्टाचार्य से वही सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने हामी भर दी है कि अगर चिराग पासवान आते हैं तो स्वागत है। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से लगातार जो है एनडीए में जो इस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो ऐलान कर दिया है कि एनडीए से पहले सीट शेयरिंग हो जाएगा, और ये लगता हुआ दिखाई भी दे रहा है क्योंकि 9 और 10 तारीख को बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि 9-10 तारीख को जो है इंडिया गठबंधन की बिहार में बैठक हो रही थी और उसमें सीट फाइनल कर लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन राजनीतिक दल जो है कितने सीटों पर लगेगा। वहीं नीतीश कुमार का जो विदेश दौरा है, विदेश दौरा होने के बाद से एनडीए का सीट फाइनल होगा। लेकिन इसके बीच अब देखना होगा कि क्या ये वाकई में ये वजह नीतीश कुमार के विदेश दौरे की वजह से सीट शेयरिंग में देर हो रहा है, या सच में ये मान लिया जाए कि सब कुछ एनडीए में उलझा है बिहार में, इसलिए सीट शेयरिंग में देरी हो रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, माना जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर के ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ठाक चल नहीं रहा है। अब आने वाले में वक्त में देखना होगा कि वाकई में एनडीए से कौन दल जो है इंडिया गठबंधन में आता है, या राजनीतिक ये कयास लगाया ही जा रहा है बस।